बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3। इसमें बताता है कि कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 7.75 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। कहता है कि 7.75 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कितने ग्राम के बराबर है। तो मोल्स हमारे पास कितने हैं, 7.75 मोलर मास कितना है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ये तो मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बता चुका हूँ कि मोलर मास आप किस तरह मालूम करोगे, 102 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये किसे आ गया, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, कितने एल्युमिनियम है 2, तो ये 54 आ गया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये 3 ऑक्सीजन है 48, तो दोनों को जमा कर लो 102 आएगा। फार्मूला हमारे पास क्या बने, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमें मास मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या जाएगा, मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल ऑलरेडी क्या बने 7.75 मोल्स। ठीक है, मोलर मास हमारे पास कितना है 102 ग्राम पर मोल, ये उसका मोलर मास होगा। सो मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7.75 मल्टीप्लाई बाई 102, तो इनसे आता है 790.5 ग्राम। क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट जो रह गई है सिर्फ ग्राम है, तो वहाँ पर सिर्फ ग्राम ही रहेगा। ठीक है, सो मतलब ये हुआ कि 7.75 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड ये हमारे पास बराबर है 790.5। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 15 मोल्स ऑफ H2SO4। तरीका यही है, सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज है और वो चेंज है H2SO4 का मोलर मास। सो मोल्स हमारे पास कितने हैं 15, मोलर मास कितना है 98 ग्राम पर मोल। ये क्यों, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 2 हाइड्रोजन हो गए 2, सल्फर का 32 34 हुआ, ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 64 हुआ, तो टोटल को जमा करो 98 बचे। सो फार्मूला हमारे पास क्या है, मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। चूंकि हमें मास को कैलकुलेट करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोल्स हमारे पास कितने हैं 15 मोल्स, मोलर मास कितना है 98 ग्राम पर मोल, तो मोल मोल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 98, तो इनसे हमारे पास क्या बनेगा 1470 ग्राम, 1470 ग्राम ऑफ H2SO4। मतलब ये है कि 15 मोल ऑफ H2SO4 1470 ग्राम के बराबर है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, सिर्फ यूनिट चेंज है। जिस तरह हम कहते हैं ना 0.5 किलोग्राम और 500 ग्राम, ये दोनों सेम है, सिर्फ यूनिट चेंज है। होपफुली क्लियर होगा।